सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट स्टॉक मार्केट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पे। गाइस, मैं विवेक धुमाड़े। आज हम अगले वीक के लिए और आने वाले 10-15 दिन के लिए कुछ सेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे सेक्टर्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, जो सेक्टर्स हैं जो ब्रेकआउट है और उसी में से कौन से अच्छे स्टॉक्स है वह मैं आपको बताऊँगा। तो दो सेक्टर मैंने फाइंड आउट किए और एक सेक्टर फाइंड आउट किया है, तीन सेक्टर मैंने फाइंड आउट किया, पर दो सेक्टर्स मैंने कुछ स्टॉक निकाले, काफ़ी स्टॉक्स है जिसमें ब्रेकआउट्स अच्छा आ रहा है और जहाँ पे आप अच्छे मूव दे के मूव आती है तो 7-8% 10% तक विद इन अ 10-15 डेज में आप अर्निंग कर सकते हो, रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो गाइज चलो हम चालू करते हैं। तो आज का जो पहला सेक्टर है वो पहला सेक्टर है निफ्टी मेटल्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल में जो ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे आप देखो निफ्टी मेटल में यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है और ये ब्रेकआउट मुझे लगता है आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। तो निफ्टी मेटल है, उसमें से अभी कुछ स्टॉक्स हम निकालते हैं। तो पहला जो स्टॉक है उसमें से मैंने निकाला है वो है यहाँ पे हिंडाल्को। हिंडाल्को एक अच्छा स्टॉक है। हिंडाल्को में अगर आप देख रहे होंगे तो आप हिंडाल्को पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है और ये जो ब्रेकआउट है ये मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स आपको आने वाले समय में दे सकता है। 401 पे ब्रेकआउट आया है और ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो वैसे 421 है, पर उसके ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है। जो गाइस तीसरा स्टॉक आज का जो है वो है हिंडाल्को, वो है एक हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक पे भी देख रहे होंगे मैंने लाइन डाल के रखी है, यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है और 347 पे ब्रेकआउट है। आगे आने वाले समय में ये भी स्टॉक आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है, तो इसमें भी वॉच रखिए। फोर्थ स्टॉक है गाइस वो है जिंदाल स्टील। काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा था, यहाँ पे देख रहे हो आप, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा था और मुझे लगता है यहाँ से अभी ये ब्रेकआउट देने के कगार पे है। अगर ये 408 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे आपको बाइंग पोजीशन बना सकते हो और आने वाले समय में ये 500 तक स्टॉक जा सकता है। उसके बाद स्टॉक है गाइस मॉइल। मॉइल ने काफ़ी अच्छा करेक्शन दिया है और यहाँ पे करेक्शन देने के बाद अब मुझे लगता है इसका जो टाइम है ये ऊपर जाने का टाइम है, अपना तो टाइम आएगा करके इसका भी ऊपर जाने का टाइम है। यहाँ से ये इसके ये इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट है और यहाँ से सपोर्ट से ऊपर जा सकता है, तो वॉच रखिए मॉइल के ऊपर भी। नेक्स्ट स्टॉक जो है गाइस वह नेशनल एल्युमिनियम। नेशनल एल्युमिनियम में एक अच्छा सपोर्ट आया है। ये नेशनल एल्युमिनियम आप देख रहे होंगे, नेशनल एल्युमिनियम भी यहाँ पे इसने ये जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया था। अभी ये मुझे लगता है थोड़ा नीचे आ सकता है और वंस एक बार नीचे आके ये सपोर्ट को एक बार फिर से टक्कर लेके ये ऊपर जाएंगे और अच्छा रिटर्न्स आपको आने वाले समय में भी दे सकता है स्टॉक गाइज। और एक स्टॉक है सेल। सेल को कभी सेल मत करना, सुमित जी बोलते हैं जी बिजनेस पे, सेम मैं भी बोल रहा हूँ सेल को कभी सेल मत करना। यहाँ से वो अच्छा रिटर्न दे सकता है, यहाँ से ब्रेकआउट है उसका सेल का, 126 से ब्रेकआउट दे रहा है और ये आने वाले समय बहुत बड़ा मुंह दे सकता है, 150-155 तक भी जा सकता है। गाइज निफ्टी मिड कैप मेरा एक नेक्स्ट सेक्टर है। निफ्टी मिड कैप में भी आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट इसने दे दिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये ब्रेकआउट इसने दे दिया है, एक सेकंड, ये ब्रेकआउट यहाँ पे इसने दे दिया है और आने वाले समय में निफ्टी मिड कैप की जो भी स्टॉक्स है वो सारे अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके बाद का गाइस जो सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर। मेरा फेवरेट सेक्टर है, फार्मा में क्रांति है जो बोलते हैं और क्रांति रिटर्न आई है और यहाँ से इसने यहाँ पे देख रहे होंगे क्रांतिकारी ने ब्रेकआउट दे दिया है और जैसे ही यहाँ पे ये निफ्टी फार्मा 14,531 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इसमें से सबसे प्यारा जो स्टॉक है वो है सन फार्मा। काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा था, ब्रेकआउट का अभी इसका वक्त आ गया है। जैसे ही ब्रेकआउट देगा गाइस ये यहाँ ऊपर भागने के लिए रेडी हो जाएगा। तो सन फार्मा ये मेरा फेवरेट स्टॉक है और मेरा फेवरेट और एक स्टॉक है मैं आपको बताता हूँ, वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी ने काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद
अभी फिर से यहाँ पे आके सपोर्ट लिया है, और जैसे सपोर्ट यहाँ पे लिया है मुझे लगता है यहाँ से ये ब्रेकआउट, यहाँ से ये रिटर्न्स जा सकता है और ऊपर जाने की इसमें पूरी क्षमता है। ये सबसे बड़ा स्टॉक, सबसे बढ़िया स्टॉक है जो मैं बोल सकता हूँ चार्ट ऑफ द वीक है, ये है गाइस ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क यहाँ पे देख रहे होंगे, काफ़ी दिनों से कंसल्टेशन थोड़ा कर रहा था, अब मुझे लगता है इसकी बारी आ गई है भागने की, और ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है, और ग्लेनमार्क काफ़ी ऊपर जा सकता है। ग्लेनमार्क के नेक्स्ट अगर टारगेट निकालेंगे 1000 तक जा सकता है, मुझे लगता है ये ईयर एंड तक ग्लेनमार्क 100% 1000 को कनेक्ट कर देगा। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था अगले वीक का पूरा एनालिसिस, तीन मैंने आपको दिए हैं वर्टिकल्स, एक है फार्मा, एक है मेटल, मेटल में बढ़िया ब्रेकआउट आया है, और निफ्टी मिड कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में तो क्रांति चल रही है, पर फार्मा और मेटल पे वॉच रखिए। मैंने मेटल के काफ़ी स्टॉक बताए और फार्मा के तीन स्टॉक बताए, तो ये सारे स्टॉक के ऊपर आप वॉच रखिए। और गाइस टाटा स्टील भी एक अच्छा वॉच है रखने के लिए है इसमें निफ्टी मेटल में, और ये सारे स्टॉक के ऊपर आप वॉच रखिए, आपको अच्छे रिटर्न आने वाले समय में ये स्टॉक्स देख सकते हैं। गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग माई दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।